हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोटपैड के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नोटपैड की फुल जानकारी सीखें तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो को अपडेट अपने मोबाइल में पाने के लिए दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, नोटपैड ओपन करने का दो तरीका है। आप यहाँ सर्च बॉक्स में जाकर टाइप कर सकते हैं नोटपैड, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, नोटपैड फर्स्ट टाइम आ चुका है, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। देखिए ओपन हो गया है। अब दूसरा तरीका जो है वो मैं बताता हूँ, चलिए इसे कट कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये, आपको विंडो की में क्लिक करना है और ऑल फाइल में यानी ऑल एप्स में ऑल प्रोग्राम में क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे जाके ये देखिए दोस्तों, विंडो एसेसरीज जैसा आपको दिख रहा है ये, इस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ देखिए नोटपैड मिल जाता है, तो आप यहाँ भी ओपन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, इसका बेसिक पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ मिनिमाइज जैसा आपको दिख रहा है, आप यहाँ माउस क्लिक करके रखेंगे तो आपका इसका नाम बता देगा दोस्तों। ये है मिनिमाइज, ये है मैक्सिमाइज और ये है क्लोज का बटन। ठीक है दोस्तों, इससे क्लोज कर सकते हैं, इससे मैक्सिमाइज यानी आप इसका स्क्रीन बढ़ा सकते हैं, और इसका यानी मिनिमाइज कीजिएगा तो आपको ये डेस्कटॉप पे यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ करके, ये देखिए हाँ नोटपैड आ चुका है दोस्तों। मैं यहाँ से भी इसे क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ दोस्तों। अब चलते हैं आगे दोस्तों। सबसे पहले आपको फाइल बता दूँ, ये फाइल है क्या, और ये बता दूँ पहले आपको, ये अनटाइटल नोटपैड दोस्तों। ये अनटाइटल इसलिए लिख रहा है क्योंकि इसे अभी कोई नाम से सेव नहीं किया गया है दोस्तों। तो चलिए आपको पहले फाइल के बारे में बता दूँ, उसके बाद एडिट फॉर्मेट व्यू और हेल्प के बारे में बताऊँ। तो चलिए फाइल के बारे में पहले बताते हैं। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए न्यू, ओपन, सेव, सेवेज और पेज। तो चलिए सबसे पहले इसमें कुछ टाइप करके दिखाता हूँ मैं। जैसे मैं यहाँ कुछ भी टाइप कर लेता हूँ दोस्तों, जैसे मैं टाइप कर लेता हूँ द डुअल स्टार। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं टाइप कर लिया हूँ द डुअल स्टार दोस्तों। अब चाहूंगा मैं इसे सेव करने के लिए, तो आप सेव कर सकते हैं यहाँ फाइल में जाने के बाद। जैसे आपको सेव ठीक है, तो दोस्तों ये सेव हुआ, वो डेस्कटॉप पे सेव नहीं है दोस्तों। अगर हमें फिर से डेस्कटॉप पे सेव करना है तो मैं आपको डेस्कटॉप पे सेव करने के लिए बताता हूँ। चलिए फिर से फाइल में जाते हैं और सेव एज में क्लिक करने के बाद यहाँ आप फोल्डर का नाम फिर से फाइल का नाम डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए डाल लेते हैं कुछ भी। ठीक है दोस्तों, कुछ भी डाल लेता हूँ। आपको सेव कहाँ करना है, डेस्कटॉप है, डाउनलोड है, डॉक्यूमेंट है, पिक्चर है, माई कंप्यूटर है, तो हम डेस्कटॉप पे पहले सेव करते हैं। चलिए डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं और ये सेव करते हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए डेस्कटॉप पे आ चुका है। अब मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो सेम फिर वही उसी फाइल में खुल जाऊँगा दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा है। चलिए क्लिक करते हैं, ये देखिए द डुअल स्टार खुल चुका है। अब सेव और सेवेज में आपको पता चला गया होगा कि सेव करने से फोल्डर का नाम मांगता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ फिर से, फिर इसमें आप कुछ भी टाइप कर लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, और मैं यहाँ से फिर से फाइल में जाने के बाद ये देखिए सेव पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा देखिए सेव हो चुका है और उसी फाइल में हुआ दोस्तों, जैसा कि आपको ये दिख रहा है। मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखिए सारा कुछ इसमें भी आ चुका है। तो सेव और सेवेज में पता चल गया होगा। जैसे कि आप इसे फिर से मैं आपको टैप करके दिखाता हूँ, कुछ और भी इसमें कुछ नंबर टैप कर देता हूँ। ठीक है, और इसे फिर से सेव करके दिखाता हूँ अलग फोल्डर में। देखिए ये सेवेज है। अब यहाँ सेलेक्ट करते हैं डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप सेलेक्ट किया हुआ। अब यहाँ नाम कुछ अलग डाल देते हैं दोस्तों। चलिए स्टार डाल दिया हूँ और सेव कर लिया हूँ।
दोस्तों चलिए इसे दिखाता हूँ आपको। दो फोल्डर बना, यानी देखिए ये टेक्स्ट बन गया, ये इस पर क्लिक करूँगा तो ये नंबर्स वाले आ जाएंगे, और इस पर क्लिक करूँगा तो ये विदाउट नंबर वाले आ जाएगा। तो आपको सेव एज सेव एज में डिफरेंस पता चल गया दोस्तों। तो अब चलते हैं एडिट में। एडिट में जाने के बाद ये देखिए अंडू का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ कट का दे रहा, कॉपी का दे रहा, पेस्ट, डिलीट, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल और टैम डेट। ठीक है दोस्तों, तो अंडू ये देखिए हाईलाइट अभी नहीं है, तो इसे हाईलाइट करने के लिए आपको कुछ वर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए कुछ वर्ड हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद एडिट में जाते हैं और यहाँ कट है, यहाँ कॉपी है, तो चलिए हम कट का पहले यूज करके दिखाते हैं। कट करने के बाद ये देखिए वो कट हो चुका है दोस्तों। अब मुझे उसे वापस लाना है फिर से इसी जगह पे, तो ये देखिए दोस्तों अंडू अब हाईलाइट हो रहा है। अब इसे अंडू पे क्लिक करने के बाद, या फिर यहाँ आप देख रहे हैं इसका शॉर्ट फॉर्म कंट्रोल जेड, ठीक है, तो इस पर क्लिक करते ही देखिए वो जो कट हुआ था वो फिर से इसी जगह पे आ चुका है दोस्तों। अब चलिए आपको बताता हूँ, कट तो पता चल गया, आपको कॉपी करने के लिए बताता हूँ दोस्तों। चलिए फिर से सिलेक्ट करते हैं, ऑल सेलेक्ट किया हूँ और फिर इसी एडिट में जाने के बाद कॉपी कर लेते हैं हम। चलिए कॉपी करने के लिए कॉपी कर लिए, ये देखिए कोई कट नहीं हुआ दोस्तों, सारा वही चीज इसमें लिखा हुआ ही है। अब चलिए इसे पेस्ट करते हैं फिर से, तो हैं पेस्ट करिए, ये देखिए कंट्रोल भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए सारा एक ही लाइन में जा रहा है दोस्तों, तो आपको लाइन बाय लाइन लिखने के लिए आपको जैसा फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद यहाँ दिखा रहा, तो आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको लाइन बाय लाइन जाएगा लेटर, ना कि एक ही लाइन में जाएगा। तो आप एडिट में कट सीख लिए, पेस्ट सीख लिए, कॉपी सीख लिए, बचा डिलीट। तो दोस्तों इसी तरह आप डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे सेलेक्ट किया हो, सेलेक्ट करने के बाद फिर से उसी एडिट में जाना और यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, तो ये किया डिलीट हो गया दोस्तों। अब बच गया फाइंड। तो दोस्तों फाइंड का ये काम है कि किसी वर्ड को आप सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ सर्च करते हैं डुअल, डुअल, और यहाँ दिया हुआ है डॉन और अप। ठीक है दोस्तों, तो कर्सर को हम अप में ही रख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों डुअल जो है एक ही जगह यहाँ पे है, मिल गया, और फिर से नेक्स्ट करते हैं, एक जगह यहाँ पे डुअल मिल गया, फिर से फाइंड नेक्स्ट करते हैं, एक जगह यहाँ पे मिल गया, फिर से करते हैं यहाँ पे मिल गया, फिर से करते हैं, तो ये देखिए अब डुअल नाम के कहीं वर्ड नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों सीख लिए फाइंड नेक्स्ट भी सीख लिया आप। अब ये है फाइंड नेक्स्ट, आप यहां से भी कर सकते हैं और वहां से भी कर सकते थे दोस्तों। तो चलिए फाइंड नेक्स्ट यहां से भी आपको करके दिखाते हैं, वही सेम चीज, ये देखिए डुअल अब नहीं है दोस्तों, एक ही लास्ट यही है। आप कर्सर को यहाँ लेके जाते हैं फर्स्ट में और फिर से हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए डुअल यहाँ पे है। अगेन हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे है दोस्तों। अब यहाँ इसका शॉर्ट फॉर्म है ओनली F3, और F3 दबा के दिखाता हूँ मैं आपको। फाइंड नेक्स्ट फाइंड हो गया, अब रिप्लेस का बारी आया। ठीक है, तो रिप्लेस भी करके दिखाता हूँ आपको। रिप्लेस में क्लिक करने के बाद यहाँ आप डुअल के जगह पे कुछ वर्ड चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए टाइगर डाल देते हैं और रिप्लेस ऑल कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ था डुअल, देखिए दोस्तों यहाँ डुअल था जबकि टाइगर हो गया, अभी यहाँ डुअल था टाइगर हो गया, यहाँ का डुअल टाइगर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो एडिट में आप सीख लिए अंडू, कट, पेस्ट, कॉपी, डिलीट, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू और सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोल है सिलेक्ट ऑल करने के लिए, ये देखिए सारा सिलेक्ट ऑल हो गया। अब यहाँ से आप सारा को एक बार में डिलीट कर सकते हैं,
ये देखिए दोस्तों, डिलीट कर सकते हैं और सारा कुछ आते हैं फिर से लाने के लिए। तो ये अंडू है, इस पर प्रेस कीजिए, वापस आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ टैग, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपका पेज के नीचे टाइम आ जाएगा दोस्तों, कितना बजे आप इसे क्रिएट किए हैं फाइल को, वो टाइम आ जाएगा यहाँ पे। और बचा फॉर्मेट, फॉर्मेट में ये पहले ही आपको बता चुका हूँ दोस्तों। अब ये बचा नीचे फॉन्ट, फॉन्ट का मतलब होता है कि लेटर का स्टाइल आप कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट में क्लिक करते हैं, ये देखिए लेटर का स्टाइल यहाँ पे आपको मिल जाता है, जैसा कि ये मिल गया। यहाँ आप साइज बढ़ा सकते हैं, चलिए 22 कर लेते हैं, और ये फॉन्ट इसका चेंज कर लेते हैं, ये स्टाइल है, ये फॉन्ट है इसका। तो चलिए यहाँ ओके करते हैं, ये देखिए सारा कुछ चेंज हो गया। अब आ गया व्यू, चलिए व्यू में जाते हैं, स्टेटस बार। इसमें इसका कोई हेल्प, ये इसका कोई काम नहीं है दोस्तों, बस ऐसा ही नॉर्मली है। अब हेल्प में आने के बाद यहाँ दिख रहा है अबाउट नोटपैड। तो दोस्तों ये नोटपैड के बारे में आप सिर्फ इसमें जान सकते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट जितना था वो मैं बता चुका हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ये देखिए दोस्तों यहाँ से आप शेयर नहीं किए तो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक पे मैं आपसे मिलने वाला हूँ। बाय।